जैन साथियों, मैं पंकज यादव आपका स्वागत करता हूं सिलेक्शन हब चैनल में। देखिए, अगर आपका लक्ष्य एसएससी जीडी 2021 है, तो मैं मैथ का पोर्शन लेकर चल रहा हूं, तो जो मैथ के जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में आप 18, 19, 20 अगर लाना चाहते हैं, तो मेरे स्ट्रेटेजी के साथ और मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ उस हिसाब से एक बार मेरा टोटल जितने मैं पेपर अटेम्प्ट करा दूँ उतने पेपर आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। और इसके बाद जो मैं बताऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी क्या करेंगे, तो आपका जो 18, 19, 20 नंबर आ सकते हैं, मतलब 18, 19, 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बातें होंगी हम बात करेंगे जो है टोटल इसके मतलब वीडियो के बाद। और ये जो मेरा रिजल्ट है आप देख सकते हैं कि मैंने जो 2021 वाला पेपर दिया था, इसमें मैथ में और रीजनिंग में दोनों में 25 में 25 नंबर थे। तो आपको भी पूरे में पूरे नंबर लाने हैं। और ये जो है एमटीएस का है 24 नंबर मैथ में। अगर आप भी चाहते हैं पूरे में पूरे नंबर लाएं, तो देखिए आइए हमारे साथ पेपर को अटेम्प्ट करिए। जो पेपर हमने आज उठाया है ये आ चुका है आपका एग्जाम जो है 2021 वाले एग्जाम में, 2021 वाला एग्जाम में ही 3 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर आया था। तो इसका हमने मैथ का केवल पोर्शन लिया है और मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे और फुली कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, जिसको आपको अगर अगर कोई क्वेश्चंस या कोई चैप्टर या कोई जो भी है वो चीज़ नहीं आती होगी ना, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आता होगा तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैलकुलेशन से लेकर हर चीज़। जो पेपर में फीलिंग जो होती है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, किस क्वेश्चन को स्किप करना होता, उसके साथ मैं जो है पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट बातें होगी हम जो भी 75 मतलब कि टोटल क्वेश्चंस के बात करेंगे 25 क्वेश्चंस के बाद। तो देखिए फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% सौरभ सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों को शिक्षा पर खर्च कर देता है, और वह शेष राशि का जो है 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त तो वह अपने पास शेष बची जो भी राशि है उसका 50% किराए पर जो है खर्च कर दिया। ठीक है, किराए पर जो है खर्च कर देता है, किराए या घर पे रख रखा पर। फिर इन सभी खर्चों के बाद वह शेष जो बची जो है उसमें से 50% माता पिता को, तो जो शेष राशि बची है वो इतनी है, तो टोटल राशि कितनी थी, मतलब टोटल मासिक आय कितना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे देखते हैं। देखो, हमने मान लिया टोटल उसके पास जो है 100x था। ठीक है, 100x रुपए आय है उसकी, 20% अपने शिक्षा पर खर्च कर दिया, इधर 20% जो है शिक्षा पर खर्च कर दिया 20x, तो इसका कितना बच गया, हमारे पास जो है बच गया 80x बच गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे क्वेश्चंस बोला है कि 30% शेष राशि का 30% परिवहन कपड़ों पर खर्च कर देता है। तो इसका 30% 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बटे 24। ठीक है, मैंने बता रखा है कि यहाँ पे एक अंक के बाद 10 मतलब लगा दोगे तो ये 10% होता है, यानी कि 8 हो गया 10%, तो 30 हो जाएगा कितना, 24। ठीक है, 30% इस चीज को ध्यान रखना है। तो अगर 24 हो जाएगा 30% तो 70% का मतलब कितना हो जाएगा, 56x। ठीक है, 56x आपका बच गया। अब क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो शेष बची हुई राशि का 50% किराया और घर के खर्च पर, अब इसमें से 50% इधर 28x खर्च कर दिया और बच गया फिर 28x खर्च, मतलब कि बच गया। ठीक, अब फिर आगे क्वेश्चंस बोला है कि शेष राशि, अब जो बची है 28x, इसमें से 50% माता पिता को दे दिया, इसमें से जो है 14x जो है क्या कर दिया, माता पिता को दे दिया, और उसके पास शेष बचा 14x, बस यही 14x बचा है। हमारे अकॉर्डिंग तो 14x, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि 112 112 00 ये रुपए में बचा है। ठीक है, तो आप बताओ 14 8 12 से आपको पता है, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी 800 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपए आ गई। तो टोटल राशि कितनी थी, टोटल राशि हमारे पास कितना था, 100x, यानी कि हम क्या करेंगे 100 में 8 से मतलब 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 00 बढ़ जाएगा, आपका जो है टोटल आ जाएगा 80,000 रुपए, जो करेक्ट आंसर डी वाला बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 1/a रेशियो 1/7 दैट इज इक्वल टू 1/3.43 रेशियो 1/a है, तो ए की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा कि ए रेशियो बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टे में बी लिख सकते हैं कि नहीं, ए बट्टे में बी, तो उसी हिसाब से आपको सोचना है। और आपने अगर ये 5-6 पेपर हम जो लगा चुके हैं, अगर आप वो देख चुके हैं वीडियो, तो आप मतलब कि ऐसे करने लगोगे, मैं एक बट्टे मतलब छोटे छोटे चीजें नहीं बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो उस चीज को देख लेना आप लोग अगर नहीं देखे हो तो। देखो 1/a तो हमने रख लिया 1/a, अपन 1/7 हमने रख लिया 1/7, रेशियो में दैट इज इक्वल टू 1/3.43 अपन 1/a,
ये जो 1/a है ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 1/1 में ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये भी चीजें इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/3 3.43, ठीक है 3.43 और इंटू में 7, ये चीज आ जाएगा आपका, इस चीज को देख लेना। तो जो 3 पॉइंट में जो 4 3 है, ये बताओ किसी चीज का क्यूब है, स्क्वायर है, जो भी है। तो ये जो दिख रही है हमें 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। तो ये जो दशमलव है, दशमलव अगर हटाएंगे तो ये नीचे दशमलव वाला पार्ट है, तो ऊपर जो है 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 100/ ये हो जाएगा आपका 7 × 7 × 7, 7 3 है और इंटू में 1 7 हो गया। तो ये जो है 1/a² है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो 10/ और ये 2 7 आ जाएगा, यानी कि 10/ 7 7 49, यानी 49 हो जाएगा। और a के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 4.9। देखो ये करने में थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ ताकि आपके बाउंस ना करें, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। आप एक बार सीख लोगे ना तो 100% गारंटी है कि आप इसको ओरली करने लगोगे। ओके फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड मोस्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता है किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती, तो उसे अंकित मूल्य पर अब तक कितने परसेंटेज की छूट जो है देनी होती। तो देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको समझना है, कंसेप्ट पकड़ना है, हो सकता है इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए इजी, तो कंसेप्ट सीख कर रहोगे तो जरूर कर लोगे। जो मार्केट प्राइस है, ठीक है मार्केट प्राइस हमने मान लिया, और ये है आपका जो सेलिंग प्राइस, ठीक है सेलिंग प्राइस हमने मान लिया। तो आप बताओ कि मार्केट प्राइस जो है हमने मान लिया 100, कितना माना 100 है, अब कह रहे हैं कि इस पे जो है 13% की छूट दे करके बेचता है, 13% का अगर हम छूट देंगे तो 87 हो जाएगा, यानी 87 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन अब आपको एक चीज और हमने बताया है, ये सीपीएमपी होता है ना, ये सीपी क्रय मूल्य का भी बात किया है, तो क्रय मूल्य होता है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य में 10% मतलब कि 20% का लाभ हो जाता है। तो आपको पता होगा कि 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 20% को लिखते हैं 1/5, यानी कि 5 का चीज था और 6 जोड़ के 6 पे बेच दिए, तब बताओ हमारे अकॉर्डिंग तो 5 से 6 पे हमने बेच दिया। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल करने के लिए हम इसमें जो 86 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यानी 6 21 6 का 6 यानी 2 27, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो हमारा 27 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 29 से, तो ये आ जाएगा आप 27, तो इधर भी 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा 29, यानी कि नया ये जो सीपी आपका निकल के कितना आया, सीपी जो है निकल के आ जाएगा आपके पास, इसका 29 करेंगे तो 145 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 145, यानी कि हमारा ये क्रय मूल्य इतना है, मार्केट प्राइस जो है 100 है, ठीक है मतलब जो भी है, तो ये क्रय मूल्य हमारे पास इतना है और इतना में जो है हम बेच रहे हैं, 20% का लाभ हो गया। तो अब बताओ उसी अंकित मूल्य पर, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, जो क्रय मूल्य है 10% की वृद्धि, तो इसमें 10% का वृद्धि कितना हो जाएगा, 1 दशमलव लगा देंगे 10%, यानी 14.5, 14.5 अगर हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 100, यानी कि 5 4 9 और ये 5, यानी कि हो जाएगा 159.5, ये आपका आ गया क्रय मूल्य, मतलब कि 10% बढ़ा करके, ठीक है। और फिर तो उसी अंकित मूल्य पर अब कितने परसेंटेज की छूट देने की होगी, ताकि पहले जितना लाभ जो है अर्जित हो सके, ठीक है मतलब कि उसी अंकित मूल्य पे ये क्या दे रहा है, छूट दे रहा है उसी अंकित मूल्य पे। तो आप एक चीज बताओ कि ये जो है इस पे 20% का, मतलब जितने परसेंटेज का लाभ लेना है उतने ही लाभ लेना है फिर भी, तो 20% की अगर हमें लाभ लेनी है तो इसमें फिर 20% हम इसका 20% निकालेंगे, तो 10% के लिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 15.95, इसका 20% हो जाएगा 31.90। अगर हम इसको जोड़ लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हमारा हो जाएगी 31.90 और फिर जोड़ना है, जोड़ करके बेचना है कितना में, तो 191.40 रुपए में आपको बेचना है वो चीज को, 140 रुपए में बेचना है, 191.40 बेचना है, कब, कुछ छूट दे करके। तो आप ये देख रहे हो कि ये डबल हो रहा है ना, तो ये जो हमारा जो मार्केट प्राइस होगा ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि 200 से कितने का हमने छूट दिया, तो 200 से छूट दिया हमने जो है 191 घटाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 8.6 का छूट दे दिया, यानी कितने का छूट दे दिया, 8.6 कितने पे छूट दिया, 200 पे, और इंटू में 100 कर दोगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2 4 2 3 6, यानी कि 4.3% का अगर हम छूट दे देंगे,
तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो, एक निश्चित संख्या में लड्डू हैं, निश्चित संख्या में लड्डू हैं 10, 20, 25, ठीक है, निश्चित संख्या में कोई लड्डू है 10, 20, 25 बच्चों के बीच अलग अलग वितरित किया जा सकता है ना, तो लड्डू क्या हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से वितरित हो सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे कितने हो गए, 27 बच्चे, कितने बच्चे हो गए, 27, अगर 27 बच्चे हो गए तो उन्हें बराबर बराबर लड्डू देना है, और 3 लड्डू शेष बच जाते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइप मिस्टेक, तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, यानी कि बराबर लड्डू देने पर 3 लड्डू शेष बच जाते हैं, ठीक है, 3 लड्डू ये शेष बच जाते हैं, ये थोड़ा सा एरर था, हमने बता दिया आपको, 3 लड्डू शेष बच जाते हैं। तो न्यूनतम कितने हैं लड्डू, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो जो 10, 20, 25 दिया है, इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लड्डू की संख्या यानी कि एलसीएम, यानी कि 10, 20 और 25, इसका एलसीएम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, 100, यानी कि टोटल लड्डू की संख्या 100 x है, जो भी आएगा 100 के ही मल्टीपल में आएगा, इस चीज को ध्यान रखना, तो 100 के मल्टीपल तो इसमें सभी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, अब यहाँ पे हम लेंगे सहायता ऑप्शन का, 27 बच्चे हैं, सबको दे देते हैं लड्डू, तो हमारे 3 लड्डू शेष बचना चाहिए। तो आप बताओ कि 200 में हम 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या 3 शेष बचेगा, नहीं बचेगा, आप करो ट्राई करके। 100 में हम 27 से देंगे डिवाइड तो 27 81, ये भी 3 नहीं बचेगा। अगर 400 में हम 27 से डिवाइड देंगे तो बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है, यानी कि आप खुद ही सोच लो। यहाँ पे 100 से ही देखो, 100 में 81 यानी कि बच गए 19, तो 19 फिर अगर दो बार करेंगे, 200 में डिवाइड देंगे तो 19 2 38, यानी कि फिर 27 से डिवाइड दे दोगे तो 11 बच जाएगा, यानी कि किसी में नहीं बचेगा, केवल ये जो है आपका 300 में हम 27 से भाग देंगे। आप देख लो 27 का 27 2, ठीक है, 3 30, तो फिर 27 का 27 3, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 27 में, तो हमारे पास आ जाएगा 3 शेष बचेगा, तो करेक्ट आंसर ये। तो हम कहीं कहीं ऑप्शन क्या भी सहायता ले लेंगे, अब सॉल्व करने लगेंगे ना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका, टाइम की देखो बचत करना है, जो भी खेल होता है ना भाई, इसमें जो गेम होता है वो आपका टाइम का गेम होता है। देखो 55 नंबर, एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय, उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में उसे लगे समय के 1 घंटे 40 मतलब समय मिनट ज्यादा लग जाता है। तो अब देखो जो भी दिया गया है कि एक व्यक्ति को उसकी चाल चाल की 3/4 चाल से चलते हुए, तो पहले इनिशियल जो उसका चाल था, स्पीड था, अब ये फाइनेंशियल एफ लेते हैं, इनिशियल आई लेते हैं, पहले ये 4 की स्पीड से चलता था, अब जो 3 की स्पीड से चलने लगा, ठीक है, ये क्या है, स्पीड है, स्पीड से चलने लगा। तो आपको पता होगा कि जो टाइम होती है स्पीड के रेसिप्रोकल होती है, कैसे होती है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए स्पीड दैट इज इक्वल टू, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, आप पढ़े हो ना, तो अगर डिस्टेंस को हम फिक्स कर दें तो ये जो है वन एक दूसरे का क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, यानी कि जो बोलते हैं ना, मतलब व्युत्क्रम पाती हो जाएगी, यानी कि अगर 3:4 में स्पीड है तो टाइम कितना हो जाएगा, 4:3 में आ जाएगा, 4:3 में आ जाएगा, इस चीज को आप समझ चुके होंगे। तो इसके अनुसार देखो टाइम कितना लगेगा, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे का 60 मिनट और 40 100 मिनट ज्यादा। तो आप बताओ पहले 4 ज्यादा लगता था टाइम, और 3 लग रहा है, यानी कि कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 मतलब कितना, 100 ज्यादा लग रहा है, 100 ज्यादा लग रहा है। तो अब क्वेश्चन बोला है कि उस व्यक्ति को अपनी चाल से उसी दूरी को तय करने में समय, यानी कि जो इनिशियल जो थी स्पीड, उसी स्पीड से कितने समय में तय करता था, तो 100 है, 1 बराबर 100, तो 3 बराबर 300, यानी कि 300 मिनट लगते थे, लेकिन हमें लाना है घंटे में, तो 300 बटे में 60 कर देंगे, यानी कि जो 5 और निकल गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब ये क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे, ठीक है, और मेरे कंसेप्ट को आप समझ रहे होंगे, एक दो क्वेश्चंस आप पढ़ लिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट को कैसे चलेगा, ये वीडियो पूरी हमारी कैसे चलेगी, मतलब बिल्कुल इजी वे में और कंसेप्ट के साथ और ट्रिकी के साथ जो है क्वेश्चंस को, मेरा पर्पज यही है कि टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और जो है केवल क्वेश्चन लगाना नहीं, क्वेश्चंस को कैसे लगाना है एग्जाम में वो सीखे, और किस कंसेप्ट के साथ लगाना है, आपको कंसेप्ट आता है तो भी, नहीं आता तो भी सीख चुके हैं, सीख जाएंगे आप। देखिए तो एक छात्र ने 3 घंटे में, एक छात्र जो है 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चलता है, और 12 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल से चलता है। तो मतलब कि क्या बताना है इसका, तो साइकिल द्वारा यानी कि तो पैदल द्वारा तय की गई दूरी और साइकिल द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात बता देना है आपको। तो यहाँ पे मैंने एक जो है इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है कि अगर आपके पास 2 स्पीड दे दी जाएगी, पहली स्पीड से दूसरी स्पीड से, मतलब 2 ही स्पीड दी गई है,
और इनका एवरेज स्पीड दे दिया गया। क्या दिया गया? एवरेज स्पीड। इनका जो मिश्रण वाला हम मिश्रण एलिगेशन करते हैं तो जो रेशियो निकलता है वो हमारा निकलता है टाइम के रेशियो। क्या निकलता है भाई? टाइम के रेशियो। ये कंसेप्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है, टाइम के रेशियो। तो हम देख लेते हैं, पहले हमारी जो स्पीड यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर कुछ स्पीड से चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। और एक स्पीड देखिए ये 12 किलोमीटर आंशिक रूप से चल रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। और यहाँ पे दिया गया है आपको कि 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी, यानी कि एवरेज स्पीड कितना हो गया, 30/3 यानी कि 10 के स्पीड से चलना है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये एवरेज स्पीड। तो हम मिश्रण एलिगेशन करेंगे, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड। तो जो रेशियो निकलेगा टाइम का मैंने बता दिया 2:1, और ये करेंगे तो 6, यानी कि 1:3। ये 1:3 हमारा क्या निकल गया, ये आया टाइम का रेशियो, ठीक है। तो आप खुद ही बताओ बच्चों कि अगर हमारे पास टाइम का रेशियो है और हमें निकालना है दूरी, तय की गई दूरी, तो दूरी दैट इज इक्वल टू चाल गुणे समय होता है, यानी कि इसकी चाल, तो इसकी चाल निकालने के लिए, फर्स्ट वाले की चाल ये निकालने के लिए 4 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4×4 हो जाएगा 36, यही तो हमारा रेशियो बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 1:9, देखो 1:9 करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर कंसेप्ट आप समझ नहीं पा रहे होगे, लग रहा है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, कैसे समझे, तो वीडियो को पोस्ट करिए, करिए फिर से जो है बाय का करके देखिए, एक बार दो बार आप खुद से देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। 57 नंबर क्वेश्चन से है कि 6,000 रुपये की धनराशि 5% के लिए वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा, समझ रहे हो इस चीज को। ये जो क्वेश्चंस दिया है इसको देखो कैसे करेंगे बारीकी से। हम आपको एक चीज बता रखे हैं सबसे पहले कि अगर 2 साल दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज तो 2:1 में डिफाइन करते हैं, और 3 साल के लिए 3:1 में डिफाइन करते थे, 4 साल के लिए 4:6:1 में करते थे। और ये जो होता था इस टाइप में, ये क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है। और बाकी ये जो बच गया, मतलब ये 1 साल का हो जाएगा, ये 2 साल का, ये 3 साल का, ये क्या है, सीआई और एसआई, यानी कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ये अंतर वाला ही रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा, 2 साल, तो 2 साल के लिए फर्स्ट वाला ट्रिक उठाएंगे हम, तो बताओ 6,000 रुपए है, ठीक। क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, और हमें 5% के हिसाब से, तो 6,000 का हम निकालेंगे 5%, 6,000 का 5% कितना हो जाएगा, 6×5=30, यानी कि आ जाएगा आपके पास 300। फिर अब आगे निकालते हैं, दो बार निकालते हैं, यानी कि 2:1 लिखा है ना, तो दो बार निकालेंगे, यानी कि 5%। फिर अब 300 का 5% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक, 300 का 5% आ जाएगा 15, ये जो है 5%, ठीक है, 5% आ जाएगा 15, ठीक, 5%। अब बताओ ऐसे दो बार निकाल लेते हैं, और हमने बताया 2:1, तो इसके नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 से मल्टीप्लाई, ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड कर दे तो आपका सीआई निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए एसआई माइनस एसआई, तो इसका ही मल्टीप्लीकेशन जो होगा 15, ये सीआई माइनस एसआई पूछा है आपका, आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। साजिया की आय रेहाना की आय की, साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, तो हमने आपको बताया है कि 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रख लो साजिया, ये है रेहाना, रेहाना की आय हो गई 5, तो 5 से हो गई 4 साजिया की आय। तो अब कह रहे हैं कि साजिया की आय कितनी अधिक है रेहाना की आय से, मतलब रेहाना की आय साजिया की आय की आय से कितनी अधिक है, रेहाना की आय तो ये कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, और कितने पे, यानी 4 पे, साजिया से अधिक है ना, तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%, ठीक, आंसर हो जाएगा डी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मतलब कि 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य था, जो भी मूल्य था, मतलब कि 65,555 है, ठीक है, 65 लाख है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले था और मूल्य में ह्रास हो रही है, मतलब कि 3 वर्ष पहले, दूसरे तीसरे 5%, 4% और 3% की दर से ये हासिल नहीं है, ये होगी ह्रास, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये जो हासिल लिखा है ये ह्रास है, मतलब कि कमी हो रही है, पहले वर्ष में 5% कमी, फिर 4% कमी, फिर 3% कमी, तो अब जो है कितना हो जाएगा, मतलब कितने रुपए हो जाएंगे अब जो बाकी मूल्य है ह्रास करने के बाद 3 साल के बाद। देखो ये जो क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको पता होगा कैसे करते हैं, लेकिन आप करते होगे, टाइम ज्यादा लेते होगे, फंस जाते होगे कैलकुलेशन में। तो देखो मैं टेक्निक बताऊंगा आपको, जो भी है हमारे पास जो है कितने 65 है और 5 जीरो लगा लो,
इसका 5% ह्रास किया हमने पहले, तो 5% अगर डिस्काउंट दे देंगे, ह्रास कर देंगे, कम कर देंगे, तो आपका इसका बचा कितना, 95%। तो हम इंटू में रखेंगे 95%, ठीक है। फिर देखो, अब देखो इंटू, फिर 4% का ह्रास, मतलब फिर अब बचा कितना, 96% इसका। फिर अब लास्ट में बोला है 3% ह्रास, यानी कि फिर हो जाएगा 97%। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि ये परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म करना पड़ेगा, फिर अगर एक और परसेंटेज हम हटाते हैं तो 2 जीरो और एक खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बचा हमारे 97%, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, ये जो 650 है, 650 650 को हम कर ले रहे हैं डबल, यानी कि इंटू 2 से मल्टीप्लाई, और आपको कर लेना है 96 में 2 से डिवाइड, ठीक है। 96 में 2 से डिवाइड कर लो, और 96 में, हाँ 96 में 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं, यानी कि इसमें 2 से नहीं, इसमें कर दो आप जो है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि 1300 आ जाए, ठीक है। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, और इधर भी हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और 95 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा मैटर, जो भी हमारा हो जाएगा इक्वल। और यहाँ पे जो बच जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, 96 को छोड़ो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आप बताओ कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1300। 1300 दैट इज टू, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 190, 190 इंटू ये हमारे पास कितना, ये था 96, ठीक है। 96 था, तो 96 का हम लोग क्या कर लेंगे, 96 1% बच रहे ना, तो आप जो 96 है यानी 4 से मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि 200 200, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इधर लग देंगे 96 और इंटू में 97, 97। क्लियर हो गया आपका, ठीक है, 97%। तो हमने क्यों 00 किया, क्योंकि हम परसेंटेज को कटाएंगे तो ये 00 काट देंगे, काम हो जाएगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप भाई, यहाँ से ये बताओ कि हमारे पास, अब देखेंगे चेक करेंगे कि 97 है, ठीक है, और ये हमारे पास बच गया जो 13, ठीक, ये बराबर नहीं, एक सेकेंड यार, ये हमारे पास जो है 1300, ये मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है, 650 जीरो, ठीक। अब इसको हम कट करेंगे अगर, तो आपका सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 96 24 94 96 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका इतना, एक सेकंड देखते हैं इसको, मिस्टेकिंग देखो इसको करना कैसे, थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं, देखो गलती होती है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा जो ये है ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, बाद में कर लो तो सही रहता है ज़्यादा। तो हमने बताया आपको कि 65 है ये 000, इसमें 1% से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 1% से ये भी 2 जीरो खत्म, बच गए 97%, ठीक है। ये जो एक्चुअली 96 लिखा था, ठीक है, 96। तो अब हमें इसको जो है करने के लिए दोनों तरफ, हाँ यहाँ पे देखो दोनों तरफ इसमें और ये दोनों में क्या है, 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड देना पड़ेगा, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। तो आप देख लिए, इसको हम लिख लेंगे कितना, 1300 लिख लिया, 1300 आ गया, और फिर इंटू में ये आ जाएगा आपका 190, फिर ये आ जाएगा आपका 24, फिर आ जाएगा आपका ये 97, और ये परसेंटेज जो लिखा है परसेंटेज को हटाएंगे और 2 जीरो को काट कर देंगे, ठीक है, 2 जीरो काट कर दो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जैसे अब थोड़ा सा ऑप्शन को भी हम ख्याल रखेंगे, 1 जीरो है ना ये, 1 जीरो यानी कि लास्ट में, तो 1 जीरो मस्ट भी नेसेसरी है, 10 से मल्टीप्लाई है, तो हम ये 0 को मान लेते हैं लास्ट में, 1 जीरो मस्ट भी नेसेसरी। अब देखते हैं यूनिट डिजिट, तो 3 3, ठीक है, 3 और 36, 6 चौके 24, 4 आ गया, 4 7 21, यानी कि आपको अगर हम देखें, यानी कि 24 है ये, 13 है, यानी कि 24, यानी कि 24 हो जाएगा आपका, 3 8 24, सोल्यूशन गड़बड़, यानी कि 97 है, ठीक है, 97 के लास्ट डिजिट 7 है, ये 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 8 9 72 आ जाएगा, हाँ 1 मिनट देख लिए, 7 7 चौक 28 हो जाएगा, लास्ट डिजिट 8 आया, फिर 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 6 8 9 72 आ गया, लास्ट डिजिट 2 आया, और फिर 2 में इसका लास्ट डिजिट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 6, यानी कि लास्ट डिजिट जो बचेगा यूनिट प्लस 6 आएगा। देखो हम यूनिट, हम चाहें तो मल्टीप्लाई मतलब कर रखे हैं, आपको बता देंगे, ऐसे तो होता है बहुत लोग बता देंगे, लेकिन हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो ये जो 60 है, 60 लास्ट डिजिट आपको देख रहा है इसमें, केवल थर्ड ऑप्शन में, तो टिक करके आगे बढ़ जाओगे, कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लंबा टाइम लिया है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे कट करते हैं, ये चीज समझ लेना है। जैसे मान लो हमने आपको बता दिया, हमने आपको बताया कि यहाँ पे मान लो 65 है, ठीक है,
65%, और इंटू में आपको करना होगा 96, ठीक है? तो 65% इंटू में 96 या 96%, तो ये 65 का 96% करना है मान लो, तो आपको 96% करना है ना, तो आप कैसे इसको जल्दी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे 00 लाने के लिए, यहाँ पे 650 है मान लो, यहाँ पे 00 लाने के लिए हम इधर भी 200 मल्टीप्लाई, इधर भी 200 मल्टीप्लाई करके 00 हटा दें, तो ये यहाँ हो जाएगा 1300 और इंटू में हो जाएगा 96, 00 खत्म हो जाएगा, फिर ये 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजिली हो जाएगा। इस चीज को आपको बस फोकस करना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि ए बी के साथ, ए और बी एक साथ करके एक किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले इस कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं, तो बी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो, और ए और बी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो 30 काम हो गया, और ये जो ए अकेले 50 दिन में, तो 30 × 50 ये आपका टोटल वर्क निकलेगा। और हमारी ये जो वैल्यू दी गई ए और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मतलब कि दिया गया समझ लो 30 है और केवल ए दिया है 50, तो दोनों का डिफरेंस हमारा भी हो जाएगा, यानी कि 20, 20 से हम कर देंगे तो कट करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 25, और 25 या 75 हमारा आंसर निकल के आ गया। लेकिन एक बार हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है? समझ लो कि ए और बी मिलकर के, ए और प्लस में बी मिलकर के 30 दिन में सॉल्व करते हैं, और ए अकेले इसको जो है 50 दिन में सॉल्व करता है, दोनों का एलसीएम हमारा निकल जाएगा 150, हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, और ए और बी इसका एफिशिएंसी निकल के आएगा 5, इसका एफिशिएंसी निकल के आएगा 3। और कह रहा है कि आप देखिए केवल बी को कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, तो केवल बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 घटा दो, 2 ही तो बचेगा, यानी कि 150 बटे में 2 बराबर 75, ठीक है? अब देखो आगे, सुमेर ने 800 रुपये के प्रति कुर्सी के मूल्य से 6 कुर्सियां और 1200 रुपये में एक मेज खरीदा, और उसने सभी कुर्सियां और मेज को 7200 में बेच दिया, तो लाभ बताना है। तो बताओ 6 कुर्सी अगर 800 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से निकालेंगे तो 6 कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 6 × 8 = 4800 रुपये, क्लियर? और 1200 रुपये में एक मेज, तो 4800 और प्लस में 1200 कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 6000 रुपये में खरीदा था और इसको बेच दिया कितने रुपये में, 7200 रुपये में बेच दिया, ठीक है? 7200 रुपये में बेच दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ 12 × 5 = 60, अरे रेशियो में कर लो 12 × 6 = 72, यानी कि 5:6, यानी कितना का एडवांटेज, 1 का, यानी 1/5, मतलब कितना 20% का लाभ हो गया, क्लियर? देखो आंसर हो जाएगा डी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, 62 नंबर क्वेश्चन देखो, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको सभी जो शिफ्ट में एक दो को दो दो क्वेश्चन आए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, प्रैक्टिस कर लेनी होगी, ताकि जो ऑफ ऑफ वाला जो ये चक्कर होता है थोड़ा सा आदत बन जाए मतलब करने की, क्योंकि ये देखो आसान क्वेश्चन होते हैं, केवल टाइम लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका करेक्ट निकल के आता है। आपको मैं बता रहा हूँ ध्यान क्या देना है, ए अगर डिवाइडेड बाई बी है तो इसका मतलब होता है ए बट बी, और ए डिवाइडेड बी ऑफ सी है, बी ऑफ सी, तो आप लिखेंगे ए अपन में बी इंटू में सी, क्योंकि ये साथ चलता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा। तो आप इसको सॉल्व करो, पहली लाइन देखो लिखने में कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही है, आपको लिखना है, आपको थोड़ा सा जितना यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे उतना वहाँ पे कम लिखना पड़ेगा, ये बताऊँ कि, और लेकिन हमें पहली लाइन इसका लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि दोस्त देखो पहली लाइन में ही गलती होती है अक्सर, 7 × 14 = 24, इसको लिख लेंगे हम जो 20/7 मल्टीप्लाई जो भी है 4×5 = 20, 1×21 यानी 21/5, और जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये मल्टीप्लाई ये मतलब 9×45 = 46, यानी 46/9, एक हमारा ये अलग हो गया पार्ट। फिर देखो यहाँ पे डिवाइडेड है, फिर इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जो 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई 2×3 = 6, यानी कि 2×8, 8/3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है, 1/4। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइडेड है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई जो है 4, तो हम यहीं पे डायरेक्ट 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसको करते हैं सॉल्व, देखो 5 × 10 यानी कि 10 × 20 तो आ गया, क्लियर है? फिर देखो 7 × 7 = 21, और 3 × 3 = 9 खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 × 46, 2 × 46 यहाँ पे देखो 46 × 2, क्लियर है? बट्टे में कितना बचा आपका, बट्टे में आपका ये बच जाएगा भाई 3, 46 हो गया, ठीक है? बट्टे में अभी इसको देखेंगे ना बाद में, क्योंकि ये डिवाइड इसको डायरेक्ट हम कर रहे थे, इसको बाद में देखते हैं। डिवाइडेड भाई इसको हम सॉल्व करें, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, 1 कोई दिक्कत नहीं, फिर 4 से इसको कट कर देंगे तो 2 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास जो 3 है
तो 3 से 3 जो है हमारा चला जाएगा, यहाँ पे आपका 8 है, तो 4 दूनी 8 2 बच गए यहाँ पे आपका, ठीक है, 2 यहाँ पे 1 बच गया, और एक ये वाला जो 4 है ये 1/2, एक्चुअली ये जो लिखा है यहाँ पे, ये देखिए लेते हैं, ये वाला जो चीज है यहाँ पे 1/2 होगा, यानी कि 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आप टोटल को क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख लो 46 × 2/4 लिख लो, 2 से 2 कट जाएगा यानी 2 आ जाएगा, 46/2। 46/2 का मतलब होता है 23, आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अमित ने बिमल को एक अलमारी बेची और 10% का लाभ प्राप्त कर लिया। बिमल ने वही अलमारी चेतन को बेची, बिमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपये में खरीदा, विमल के लिए क्रय मूल्य कितना था, इस चीज को आपको बताना है। देखो तो ये जो चीज है ये कैसे होगा, अमित ने विमल की एक अलमारी बेची, अमित ने विमल को एक अलमारी बेची 10%, 10% के हिसाब से लाभ प्राप्त कर लिया। तो जो चीजें है 10 से 11 हो गया, और फिर 10% का, यानी कि फिर 10 से 11, ठीक है, यानी जो भी है 2 बार, यानी कि 2 बार की हो रही है, यानी इसको स्क्वायर हो जाएगा आपका, समझ लो, यानी कि आपका आ जाएगा 100 से कितना हो जाएगा 121 में भेज दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 121 बराबर ये अलमारी जो है लास्ट जो चेतन ने इतने में खरीदा, यानी कि 100 से इतना में बेच दिया गया, लास्ट 121 बराबर हमारे पास है 14,520, यानी कि ये जो है मल्टीप्लीकेशन है 120 का, यानी 120 का मल्टीप्लीकेशन है, तो इतना आएगा, यानी कि 1/120, 1/120 तो 100 बराबर कितना होगा, 100 बराबर हो जाएगा आपका, इंटू में 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 00 बढ़ जाएगा, यानी कि जो 120 है 00 बढ़ा दोगे, यही आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे होगे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। फिर देखो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 4 मित्र हैं ए बी सी डी ने किसी व्यय को क्रमशः जो है 3:7:9:13 के अनुपात में निवेश किया, सी का लाभ का हिस्सा दिया गया है। तो सी सी इसमें क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सी जो है दे दिया गया है आपके पास, जो सी ए बी सी, सी मीन्स क्या, 9, यानी कि 9 की वैल्यू दी गई है, 9 दैट इज इक्वल टू दिया गया 8 9 10, इतना दिया गया है, ठीक है, 9 की वैल्यू। तो ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का कुल हिस्सा, डिफरेंस नहीं टोटल, तो ए और बी मीन्स कितना है, 7 3 10, 10 का वैल्यू निकालना है, 9 बराबर इतने, तो 10 बराबर क्या है, तो सबसे पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 बराबर क्या करोगे, 99 81 हो जाएगा, और 99 81 990, तो बताओ कि 10 बराबर कितना, इधर भी 0 लगा दो, इधर भी 0 लगा दो, क्लियर हो जाएगा आपका, यानी कि 99 100 थर्ड वाला आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मीटर 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के 14 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर का चौड़ा रास्ता, तो रास्ते का क्षेत्रफल, आप बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देख लेना है, एक जो है क्या है, ये जो भी है आपका एक रेक्टेंगल दे दिया, 14 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा, और 1 मीटर बाहर क्या है, ये देखो स्क्वायर का रूप ले लिया, लेकिन हम इसको बनाएंगे क्या, इसको बनाएंगे हम ट्रेंगल, सॉरी तो ट्रेंगल नहीं रेक्टेंगल, ठीक है, 14:8, यहाँ पे हमारा 14 और 8 है, और एक और इसके बाहर हमने बना लिया रेक्टेंगल, यानी कि ये हो जाएगा आपका जो भी पथ है ये 1 मीटर है, ठीक है, चारों तरफ 1 मीटर, इसको चीज को समझ लेना। तो बाहर वाला लंबाई कितना हो जाएगा, बड़ा वाला रेक्टेंगल का 14 1 15 15 हो गया भाई, हाँ, फिर देखो 8 यानी 15 नहीं, इधर भी एक इधर भी एक, यानी कि 15 नहीं 16 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 16 और 10 हो जाएगा। तो आप बताइए ये रास्ता का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये रास्ता का ही तो क्षेत्रफल निकालना है, तो जो ये है आपका रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल के डिफरेंस कर दो बस, यानी कि ये वाले रेक्टेंगल हो जाएगा, सॉरी रेक्टेंगल, हाँ, तो 14 8 12 से यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 112, 112 माइनस 15 दहा में 16 दहा में 160, यानी कि जो भी है ये 160, 160 में से 112 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 48, यही 48 मीटर स्क्वायर सी हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कह रहा है, देखो क्वेश्चंस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस कह रहा है कि विक्रय मूल्य दिया गया है, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चंस लग रहा है, लेकिन आपको देखो हम बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इसमें से गलत को चूज करना है, आपको बताना है कि गलत कौन सा है, ओके, देखो आप बताओ।
यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि अगर क्रय मूल्य 80 है, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है, 96 है, यानी कि क्रय मूल्य 80 है और विक्रय मूल्य कितना है, 96 है। क्रय मूल्य 80 है और विक्रय मूल्य जो है 96, 96 दे दिया गया, ठीक है। क्रय मूल्य तो आपका 20% का लाभ हो जाएगा क्या, आप बताओ कि कितने का लाभ मिला, 16 का, यानी 16 बटे में 80, यानी 16 पचे 80, 1/5 का मतलब कितना, 20% का लाभ, बिल्कुल सही है ऑप्शन। फिर देखो ये 8,000 है और ये 7,000 पे विक्रय मूल्य कर रहे हैं, तो हानि हो रही है, ये जीरो खत्म कर दो, बताओ 8 से 7 पे बेचेंगे तो 1 की हानि, यानी 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5, मतलब क्या 25/2%। ये भी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों करेक्ट हो गए। फिर जो जीरो वाला है इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर देखो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 1400 है ये, 1526 है, तो 1400 का कोई वस्तु क्रय मूल्य है, इस 1526 यानी 100 का क्या मिल गया, इस पे क्या लाभ मिला, 100 का, तो 100, फिर 126 का लाभ मिल गया, 126, 1400 से ये हो जाएगा 126 बट्टे में कितना, 1400 00, ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 00 खत्म हो जाएगा आपका, दोनों 1400 14 9 26 से, यानी कि 9% का लाभ, यानी ये भी अगर ऑप्शन सही हो गया तो आपका फाइनली बस थर्ड नंबर ऑप्शन गलत होगा, इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है, ये नहीं कि सॉल्व करने लगना, तो भाई देखना अपना टाइम बर्बाद करना, सिलेक्शन किसको लेना है। फिर देखो आगे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 25, ठीक है, और ये 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत, तो इसमें हमने बता रखा है कि अभाज्य संख्या एक से लेकर के और 50 तक जो है टोटल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 15 अभाज्य संख्या होते हैं एक से लेकर के 50 तक, और जो है एक से लेकर और 100 तक जाओगे तो टोटल 25 हो जाते हैं अभाज्य संख्या, हमने बता रखा है, आप जो है देख लेना वीडियो, नहीं देखे हो तो अभाज्य संख्या आपको आनी चाहिए, 25 से लेकर के और 45 के बीच अभाज्य संख्या का औसत, सबको जोड़ लो बटे में टोटल नंबर, बस काम खत्म, छोटा सा क्वेश्चन है, तब बताओ अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 एक हो जाएगा, 25 के बाद होता है 29 प्लस 31 प्लस 37 भी होता है प्लस 41 41 प्लस में 43, होल अपन में कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड दे दो, अगर जोड़ोगे सबको तो आ जाएगा 181 बटे में 5, यानी कि आपका आ जाएगा 36:1/5, आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा औसत, ठीक है, 30 छात्र हैं, 30 छात्रों द्वारा औसत अंक 100 में से 76 हैं, अनजाने में छात्र एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे मतलब कि छात्र जो है 48 के बजाय 84 लिख लिए थे, तो सही औसत ज्ञात करना, मतलब सही औसत ज्ञात करिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, जो भी है, एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा औसत, तो हमने मान लिया कि ये 100 को छोड़ दो, ठीक है, 100 में से इतना आते हैं, मतलब क्या टोटल ये 76 का ही तो बात कर रहे हैं, 76 ला रहे हैं, ठीक है, तो आप बताओ 30 छात्रों में ये 76 आते हैं, तो हम क्या लेंगे टोटल, हमारा एवरेज हमने मान लिया 76 जो भी है मेन वैल्यू, अब ये 65 के बजाय 56 लिख दिया, यानी कि कितना कम लिखा है, कम लिखा है आपका 9, 9 कम लिखा है ना, तो प्लस 9 रखेंगे। अब देखो आगे, ये जो 48 को 84 लिख दिया, यानी कि 84 ये बढ़ा दिया कितना, यानी कि घटाना पड़ेगा, ठीक है, घटाना पड़ेगा ना भाई, तो ये माइनस कितना घटाना पड़ेगा आपका, ज्यादा बढ़ा दिया है 36, ये 36, तो ये वाली जो वैल्यू है ये जो भी बढ़ेगा घटेगा ये टोटल जितने छात्र होंगे उनमें डिवाइड करना पड़ेगा, उनको बांटना पड़ेगा, तभी जा करके इस पे औसत पर क्या मिलेगा, मतलब इफेक्ट पड़ेगा जो भी होगा। तो आप बताओ कि यहाँ पे 9 - 36 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 76 माइनस में 27, -27 बट्टे में 30, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो आ गया 9, यानी कि पॉइंट में 9, तो 76 में से अगर हम पॉइंट में 9 घटा दें तो आपका आ जाएगा 75.1 औसत मिलेगा, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन। फिर देखो नेक्स्ट करें कि देखो फिर जो समीकरण आगे सॉल्व करने का बोर्ड मास वाला, दो क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं, मस्ट बी नेसेसरी, कह रहा है कि ऑफ है इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, हमने बताया आपको कि एक साथ रखते हैं, यानी 5 × 10 हमने रख लिया, 10 10/7 = 35 रख लिया, फिर प्लस ये देखो 3/7 माइनस ये 2 से हम कर रहे हैं, 2 / 1 का कोई रोल नहीं है, यानी कि 7, 2 से 14 1/7, ये भी क्या लिखा है, 2 × 5 = 10 5/7 ही तो लिखा है, यानी कि 7 हमारा एलसीएम हो जाएगा और 5 × 3 = 8 8 में से एक जाएगा, सॉरी 5 × 3 = 8 8 में से नीचे हमारा कितना हो जाएगा 7 8, यानी कि टोटल आपका कितना 5 × 5 = 35 7, यानी कि एलसीएम 7 हो जाएगा, 5 × 3 = 8 8 में से एक जाएगा 7, यानी 7/7 = 1 हो गया, काम खत्म।
लेकिन मिस्टेक लग रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2/7 होगा। तो अब बताओ कि 2 और 3 5, यानी कि हमारे यहाँ हो जाएगा 5 माइनस में 1, यानी कि आंसर आएगा 4/7, समझ सकते हो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप एक कुंड को कम से 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं, अच्छी बात है। फिर देखो, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटों में खाली कर दिया, तो यदि तीनों पाइप एक ही समय खोल दे एक साथ, तो कुंड को भरने में समय कितना लगेगा। वर्क एंड टाइम वाला है, नॉर्मल रूल है, कंसेप्ट जितने हमने बता दिए हैं, अगर कंसेप्ट आपको पता होगा तो बस कर दोगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो करना है। बताओ, दो पाइप है हमने मान लिया, ए पाइप बी पाइप सी, एक दूसरा भी पाइप है। अब ये जो 12 घंटे में भर रहा है, ये जो 15 घंटे में, और ये जो 24 घंटे में खाली, यानी कि तीनों का जो एलसीएम हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, 12 120 हो जाएगा क्या? हाँ 120 हो जाएगा। देखो तो 12 धाम 120, यानी कि 10 हो जाएगा एफिशियंसी, इसका 8 हो जाएगा, इसका 5 हो गया एफिशियंसी, जो भी है ये खाली कर रहा है तो माइनस में रखेंगे। तो आप बताओ क्या करना है, तीनों को एक साथ खोलना है, और हमें काम तो टोटल 120 ही तो करना है, तो 120/10 8 18, 18 में से 5 चला जाएगा 13, यानी कि 120/13 जो 13 होगा यही आपका आंसर होगा। इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 12 से डिवाइड कर लेंगे 12/12 से, यानी कि 108 हो जाएगा, प्लस में बचेगा कितना, यानी कि 12/13, यही तो है। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो 12/12 से, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 3, नहीं, हाँ 12, सॉरी 13 से है ना, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13/17 से, यानी 117, यहाँ पे बचेगा आपका 3, 3 बचेगा, 3/13 × 60, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 + 36 = 18, यानी 180/13 मिनट में आ जाएगा। 13 से करें इसको तो 13 × 13, ठीक है, 1 आ जाएगा, 13 × 13, और बचेगा कितना, 5 50, यानी कि 33 39, 33 39, लगभग 13 मिनट, 9 घंटे 13 मिनट, आपका करेक्ट आंसर डी फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा हो जाएगा। अरे निकटतम मिनटों में, तो इसको 13 हो जाएगा, 13 33 39, एक बार देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कह रहे, 13 का 13 5 50 है ना, तो 53 52, लगभग 50 52 तक चला जाएगा भाई। तो इसको हमें लगभग में पूछा है ना निकटतम, तो हम इसको 4 कर लेंगे, ये लगभग 13 दशमलव आगे पर बढ़ जाएगा मिनट, तो हम लिखेंगे 9 घंटे 14 मिनट लिखेंगे, ठीक है, 14 मिनट निकटतम, इस पे भी ध्यान देना, तो सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्स में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के दे हैं कुछ अनुपात में, तो ये देखो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, 1 रुपये है, ठीक है, 1 रुपये है, यहाँ पे है 2 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये, ठीक है, ये रुपये में इनका अनुपात दे दिया 8:5:3। तो आप बताओ कि 1 रुपये के 8 सिक्के रहेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 8 रुपये हो जाएंगे, प्लस अगर 2 रुपये के 8 सिक्के, 8 दूनी 16 16 हो जाएगा, प्लस में 15, यानी कि आपका हो जाएगा 15, यानी सबको जोड़ लेंगे तो 15 16 31 और 8, यानी कि 39 रुपये, कितना हो गए 39 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग 39 रुपये है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना है 132। एक सेकेंड, यहाँ पे दिया गया आपका जो है 2 रुपये है, यहाँ पे 5 लिखा है, यानी कि 5, यहाँ पे हमें 5 रखना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 रुपये हो जाएगा, 10 5 25 8 कितना हो जाएगा 33, यानी कि टोटल 33 रुपये, 33 रुपये जो 132 रुपये है, 33 के अकॉर्डिंग 132, यानी कितने मल्टीप्लाई 4 दिया है, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ऐसे ही हमें 5 रुपये के सिक्के देख रहे हैं, तो 5 रुपये के सिक्के कितने रेशियो, तो रेशियो में 3 है ना, तो रेशियो में यही तो नंबर्स है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि आपका जो 12 सिक्के हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 72 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 की धनराशि है, पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10%, तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज की दर पर 3%, 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन जो है ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, अगर ब्याज बदल बदल के दे दे, तो एक होता है वृक्ष विधि, ठीक है, वृक्ष विधि के अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपये हमने रख लिया यहाँ पे, चलो भाई 10,000 रख लिया। अब देखो पहली साल, दूसरी साल और ये तीसरी साल, पहली साल में 8%, इसका 8% कितना हो जाएगा, 8% का मतलब होता है 2 जीरो लगा होता है 1%, यानी कि 8% निकल के आएगा 800, ठीक है, पहली साल 8% का ब्याज मिल गया, बहुत सही। दूसरे साल 10% का मिला, ये 8% का ब्याज, ये दूसरे साल 10% का ब्याज, इसका 10% कितना हो जाएगा, एक जो है अंक छोड़ दोगे, यानी कि 1,000 10,000, लेकिन
चक्रवृद्धि ब्याज है ना भाई, ये 1,000 हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या, ब्याज पर भी 10%, इसका भी हमें 10% निकालना पड़ेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसका 10% हो जाएगा आपका 80, यानी कि हो जाएगा 80। ये मिला सेकंड ईयर का जो ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज 12%, तो ये 12% सबसे पहले इसका लगेगा, हमारा 12% कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, 1200 रुपये। लेकिन जो थर्ड ईयर में ये 12%, इस 800 पे भी ब्याज मिलेगा, 1,000 पे भी ब्याज मिलेगा, फिर जो है ये 80 आया है इस पे भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, कितना 12%। तो बताओ 800 का 12% निकालेंगे, 12/96, ठीक। अब बताओ 1,000 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। फिर 80 का अगर हम 12% निकालेंगे, 12/96, यानी कि 9.6, ये हो जाएगा टोटल, ये तीसरे साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज है, सबको सम कर दो तो यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज तीनों साल का। अगर अलग अलग आपको कभी भी मिले ना इसे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करोगे ज्यादा बढ़िया से कर लोगे आसान तरीके से। तो आप इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, जोड़ो तो यहाँ पे 1,000 और ये 800, 1880 हम यहीं पे लिख लेते हैं, 1880, ठीक है। और फिर अब जो है जोड़ लेते हैं, बताओ 00 9 6 15, यानी कि 5 और 10.6, 5.6 आएगा, यानी कि दो ऑप्शन तो बी और डी आपका ऐसे ही निगलेक्ट हो जाएगा, बच गया दो ऑप्शन, इसमें अब खेलना है। 8 9 17, 17 2 कितना होता है, 19, 19 और 1 20, यानी कि 19 1 20, यानी कि हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। आपका आ गया 0 2, तो 2 8 10, 10 2 12 1 13, ठीक है, और 1 2 1 3, यानी बस यही वाला हो जाएगा, लास्ट सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट श्रृंखला समतुल्य, एकल छूट कितना हो जाएगा। अगर आपके पास, मैंने आपको बताया है ना कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है नॉर्मल आते हैं, अगर आप जो सही तरीके से करोगे तो टफ क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लोगे। करने का मतलब है कि मान लीजिए सबसे पहले अपने आप में 100 थी कोई वस्तु, अब 20% की छूट दे दिया 80, फिर 10% का छूट दे दिया 72, 72 में फिर 15% का छूट दे दो जो आएगा, अब वही अब एकल छूट निकाल लेना है। दो तरीके हैं इसको करने के, 100 100 से अब पहले 20% इसका छूट दिया हमने तो 80 आ गया, फिर जो है 10% का छूट दिया यानी कि 8 घटाएंगे तो 72 आ गया, फिर 72 में 15% का छूट देना है, तो 72 का 15%, 15% इसका मतलब कितना हो जाए, 15 दूनी 30, और 15 5 15 7 कितना होता है, 105 और 3 यानी कि 108, 108, ठीक है, और 2 जीरो के बाद यानी 10.8, 10.8 घटा दो, 10.8 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 62, 62 में से 1 घटाओगे यानी कि 61, 61 दशमलव आपका जो 8 आएगा। अब बताओ कि 100 से 61.8 आ गया तो छूट कितना दिया, 38.8% का ही तो छूट दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर, क्लियर। और एक और मैं तरीका बता दे रहा हूँ, अगर आपको वो भी अच्छा लगे तो उससे भी कर सकते हैं, जो परसेंटेज वाला रूल होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर है, छोटा छोटा परसेंट वैल्यू दिया है। अगर परसेंटेज को डिफरेंस में मतलब कि फ्रैक्शन में दे दे तो कैसे करोगे, तो फ्रैक्शन में इसको निकालना पड़ेगा, इसको 1/5 लिखते हैं, इसको 1/10 लिखते हैं, इसको 3/20 लिखते हैं, आपको पता होगा 5 से कोई चीज 4 में हो गई, 10 से कोई भी चीज है ये 9 हो गई, और ये जो है 20 है, 20 से जो है 17 हो गया, तो हम इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे टोटल तीनों का, तो हमारा हो जाएगा, अगर काट काट भी सकते हैं इसको, जो एक तीसरा इधर साइड में होता है ना इसको काट भी सकते हैं, 4 से 4 5 20 यानी 5 हो गए, यानी कि 5 5 25, 25 था हमें 250, यानी कि यहाँ पे 250 रेशियो में 57 53 से यानी 153, 153। तब बताओ 250 की चीज है, 153 बेच दोगे तो छूट कितना दोगे, छूट दोगे 97 का, 97 बटे में 250 इंटू में जब 100 करोगे तो 10 से यानी कि 25 से काट लो, 25 चौके 100 यानी 4 आ गया, यानी कि और ये नीचे 10 बचा है ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पॉइंट लगा लो, 9.7 इंटू में अगर 4 कर दोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 7 28 दशमलव में लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस 8 होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। फिर देखो नेक्स्ट, 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, एकदम इजी वे में भाई, ये क्वेश्चन कह रहे 21 मीटर त्रिज्या वाला कोई भी वृत्ताकार पार्क है और एक जो स्क्वायर है, अब कह रहे इसका जो रेडियस दिया गया हमारा 21 मीटर है और इसका हमने मान लिया ए है, तो अब कह रहा है कि क्वेश्चंस के वर्गाकार पार्क के चक्कर के बराबर है, ये भी एक चक्कर लगा रहा है, ये भी एक चक्कर, तो आपको पता है ना एक चक्कर लगाओगे तो सर्कल का क्या लगाओगे, बाहर बाहर परिमापित तो लगाओगे, यानी 2πr यानी कि 2 × π को हम लिखते हैं डायरेक्टली यार 22/7, और r को आपको पता है 21 लिख लो, दैट इज इक्वल टू,
और यहाँ पे ये बताओ ये टोटल इसका पेरीमीटर कितना होता है, यानी कि ए ए ए, यानी कि जो है टोटल 4 ए हो जाएगा, 4 ए, ठीक है। अब इसको कट कर लो, ए की वैल्यू निकाल लो, सिंपल तो है, कहाँ हार्ड है। 7 से कट करोगे 17 के 21, अब बताओ 2 से इसको कट करो तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दोगे तो 11, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 33 आ गई। बस ऑप्शन देख लो, बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखना ये जो बी है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 9, 10 से विभाजित दिया जाता है तो एक शेषफल प्राप्त होता है। देखो छोटा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का, तो इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे आपको देखो। ये बताओ कि 8, 9, 10 छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, तो 8 दिया गया, 8, 9 और 10, इसका हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम। एलसीएम हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 360, 360, और एक शेषफल प्राप्त होता है तो एक जोड़ लो, 361 आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर सी वाला। तो आई होप आप सबको ये सब टोटल जो कंसेप्ट हमने बताया है अच्छी लगी होगी और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट मतलब ये लग रहा है कि बाउंस कर रहा है ना, तो इसी वीडियो को एक बार और देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं बताना चाहूंगा आपसे भाई कि अगर आप चाहते हो अगर 2022 में सीरियस में सिलेक्शन लेना, ठीक है, तो इस जो 62 जो शिफ्ट है आपको कर लेना है भाई, ठीक है। आप मेरे से करो या बुक से करो या जैसे भी करो, टोटल आपको कर लेना है, लेकिन मेरे साथ करोगे तो मेरा पर्पज ये है कि आपको केवल क्वेश्चन ही नहीं दे और आंसर ही नहीं दे, आपको कंसेप्ट के साथ दे, ठीक है, ताकि आप कंसेप्ट समझ लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना आप खुद ही लगाना। देखना ये जो हम कंसेप्ट बताया हमने, ये 3-4 पेपर हमने लगा रखा, देखो हम दिए हैं आपको 1 दिसंबर की टोटल शिफ्ट हो गई है तीनों शिफ्ट, और 2 दिसंबर की भी तीनों शिफ्ट हो गई, और आज जो ये कराए हैं ये 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। यहाँ पे नोट कर देते हैं, लिख देते हैं, ये जो है ये देखो 6 पेपर हो चुके हैं, और आज अगर 3 दिसंबर की जो ये पहला पेपर हो गया, पहला शिफ्ट, तो यानी कि टोटल 7 पेपर हो गए, ठीक है। तो मेरे द्वारा 6 पेपर करवाए गए हैं, एक किसी सर बताइए, मतलब टोटल जो है ये जो पेपर है, आप टोटल पेपर को अटेम्प्ट करो सबसे पहले, और अगर कंसेप्ट के साथ जिस कंसेप्ट हमने बताया है आप अटेम्प्ट कर लिए 6 पेपर, एक काम करना आप, ठीक है, 6 पेपर पहले अटेम्प्ट करना, इसके बाद ये 6 पेपर अटेम्प्ट करके और 2021 का ही जो 62 शिफ्ट है इसमें से कोई भी शिफ्ट उठा लेना और उस शिफ्ट को सॉल्व कर देना, देखना 25 में कितने करोगे। आप जो एक एक बार भी वीडियो को देखे हो, कंसेप्ट पढ़े हो, तो 25 में आप जो 20+ क्वेश्चंस कर दोगे। तो ये अगर आप खुद सोचो कि 5 हम वीडियो पढ़ करके 25 में 20 करने लगे मॉक टेस्ट में, तो ऐसे ही अगर आप जिस दिन अगर 60-62 पेपर लगा लोगे तो आपकी क्या हाल होगी, समझ सकते हो। 20 जो क्वेश्चंस है 20 में 20 नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा। और ये जो रिजल्ट है आप देख ही सकते हैं, ठीक है, मेरा सिलेक्टेड हो गया है जो कि असम राइफल में, और मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो हो सके मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है, ताकि आपको एडवांटेज मिल सके। देखो ये मैं आपसे पैसा तो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं मेरी कोई टीम पैसा ले रही है, तो जो फ्री में चीजें मिल रही है ना उसको डाइजेस्ट तो करो, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि फ्री की चीजें हजम नहीं होती है, लेकिन आप हजम करोगे ना तभी जाके 20 में 20 लाओगे, इस चीज को लिख लेना। फिर देखो अब जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, खुद नहीं पढ़े तो दूसरे को भी पढ़ा दो भाई, ठीक है, तो ये शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, नेक्स्ट वाली वीडियो मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन दबा दोगे तुरंत ही ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आपके पास मिल जाएगा, जो क्लासे निरंतर इस पे होती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।